हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने से छोला। और ये मेरा देसी वाला चना है, इससे छोला बनाऊंगी और इसमें आलू भी डालूंगी। और ओवरनाइट हमने भिगो दिया था इसको, बहुत अच्छे से फूल गया है। आलू छील रही हूँ, इसी में आलू भी रख दूंगी, आलू भी हो जाएगा। ये लौंग है। अब कुकर रख दी हूँ गैस पे, अब इसमें चने डाल दी हूँ और आलू भी रख दूँगी ऊपर से। अब नमक डाल दी हूँ, इलायची, लौंग और पानी। पानी बहुत नहीं डालूँगी, बस जितना चेक कर रही हूँ उतना पानी डालूँगी, जिससे बहुत अच्छे से पक जाता है। अब कुकर का ढक्कन लगा दी हूँ। अब सीटियाँ वेट करूँगी, वैसे भी अपने आप में हेल्दी है। अब चना मेरा हो गया है चना। अब आलू को निकाल लूँगी, फिर चने को चेक करूँगी। आलू मेरा पक गया है, आलू वैसे भी जल्दी, चना भी देखिए अच्छे से पक गया है, मसलने पे मसल जा रहा है। अब प्याज कट कर लूँगी और प्याज मेरा कट हो गया है लगभग। अब टमाटर कट कर लूँगी, बड़े बड़े क्यूब्स में मैं काट रही हूँ क्योंकि पीसेगा अभी इसको, पीसूँगी। अब मिक्सी में डाल दी हूँ। अब टमाटर मेरा पिस गया है, प्याज पीस लूँगी, मिर्चें भी तोड़ के डाल दी, ये भी सब, इसका भी पेस्ट बना लूँगी। अब कढ़ाई रख दी हूँ, इसमें ऑयल डाल रही हूँ। अब आलू भी कट कर लूँगी, जीरा डाल दी हूँ, तेल मेरा हो गया है, हींग, तेज़पत्ता, जीरा चटकने लगा है। अब इसमें ये पेस्ट डाल लूँगी प्याज वाला, अच्छे से इसको पका लूँगी। तब तक उधर पक रहा है, तब तक मैं इधर धनिया कट कर रही हूँ। धनिया भी बारीक बारीक कट कर लूँगी, धनिया की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है। पेस्ट मेरा ये वाला पक गया है। अब टमाटर डाल दूँगी, टमाटर मेरा बहुत अच्छा था लाल लाल। अब इसमें नमक डाल दूँगी ग्रेवी में, नमक से अच्छे से पक जाती है पहले डालने से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, अब लीड लगा दी हूँ, अच्छे से मसाले पक जाएं। देखिए कितना अच्छी ग्रेवी बन के तैयार हुई है। अब इसमें मसाले डालूंगी, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला और थोड़ा हल्दी और डाली हूँ क्योंकि ये मेरी घर की हल्दी है, इसीलिए इसमें कलर कम आता है। थोड़ा पानी डाल दूँगी, अच्छे से ग्रेवी पकेगी पानी डालने से। अब लीड लगा दूँगी और मसाला हमारा देखो पक गया है, बहुत अच्छा पक के तैयार हुआ है। अब इसी में चने और पानी पलट दूंगी क्योंकि ये पानी वैसे भी इतना हेल्दी है, फेंकना नहीं है हमको इसको, बहुत अच्छा लगता है। इसमें आलू डालेंगे, आप चाहें तो आलू स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है इसमें आलू डालना और एक ही साथ पक भी जाता है। थोड़ा पानी और डालूँगी, इतनी ग्रेवी काफ़ी है क्योंकि अब लीड लगा दूंगी इसमें। देखिए छोला हमारा लगभग बन के तैयार है, चेक कर ली हूँ। अब इसमें धनिया पत्ती डाल दूंगी। छोला हमारा बन के तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। बाय बाय।